नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ अपने विचारों को दर्शाना है, किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, तो कृपया इस वीडियो को दिल पे ना लें। एक्चुअली क्या हुआ, कल शाम से इसकी शुरुआत हुई। कल मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो बचपन से काफी ब्रिलियंट था पढ़ाई में। उसने इंजीनियरिंग किया, फिर MBA करके एक कंपनी में जॉब कर रहा है। कल वो मुझे बता रहा था कि यार बॉस का बेटा विदेश से पढ़ के आया है, अभी CEO बन के बैठ गया है, इतना परेशान करता है, ये करो वो करो, लॉकडाउन में घर में बैठ बैठ के इतना काम करवाता है। मैं सुन रहा था, समझ रहा था और मैं देख रहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना बुद्धू है, उसे कुछ पता ही नहीं है। मैंने उसे कहा कि भाई तेरे साथ नेपोटिज्म हो रहा है, तो शौक हो गया कि क्या बात कर रहा है। मैंने बोला हाँ, तो उसने पूछा कैसे, मैंने बोला मैं बताता हूँ कैसे, तू इतने सालों से ईमानदारी से वहां पर काम कर रहा है कि नहीं। उसने बोला यस। मैंने बोला तो तेरे बॉस को CEO की पोस्ट पे तुझे बिठाना चाहिए, उसके बेटे को लात मार के भगा देना चाहिए। तो हंसने लगा, मुझे कहे कि यार मेरे जैसे तो और 50 लोग काम करते हैं, कुछ तो IIM पास आउट भी है। मैंने बोला वो जो भी है ये नेपोटिज्म है, तू दावेदार है उस पोस्ट का, जाके पुलिस केस कर, तेरे साथ अन्याय हो रहा है। तुम समझे ही नहीं, समझे ही नहीं, मुझे बोल रहा है कि मेरे बॉस ने कैसे जीरो से शुरू किया, कंपनी बनाई और इतना सक्सेसफुल हो गया। वो ऑब्वियसली वो अपने बेटे को बिठाएंगे तभी उनका वंश आगे बढ़ेगा, ये वो। मैंने बोला भैया चौप का यार, अरे तुझसे ना हो पाएगा, चल रख फोन। मैंने फोन ही काट दिया। कायर, कुछ लोग इतने कायर होते हैं उनको अन्याय के सामने आवाज ही नहीं उठानी है। दिमाग खराब हो गया मेरा, सोच रहा था, बैठा था मोबाइल लेके, देखा अचानक मेरी नजर पड़ी कि भाई ऊपर छोटे अक्षरों में जियो लिखा है, तो मुझे याद आ गए द ग्रेट धीरू भाई अंबानी। हम सबको पता उनकी अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस, जीरो से उन्होंने भी शुरू किया था, बिलियंस में पैसा बनाया, लेकिन एंड में क्या किया, नेपोटिज्म, अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी दौलत दो बच्चों में बांट के चले गए। क्यों, हम में कांटे हैं? मैं बहुत परेशान हो गया हूं यार, ये दुनिया में इतना अन्याय है, इतना नेपोटिज्म है। एक टैलेंटेड लड़का करे तो करे क्या, मुझे मुझे नींद ना आए। अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार मेरे फ्रेंड के साथ नेपोटिज्म हो रहा है, अंबानी खानदान में नेपोटिज्म हो रहा है, लेकिन ये सब तो हम लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। क्यों, शायद हमको बॉलीवुड ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम सिर्फ बॉलीवुड के बारे में ही शेयर किए जा रहे हैं, नेपोटिज्म नेपोटिज्म। तो ठीक है, अगर हमको बॉलीवुड में ही इंटरेस्ट है तो मैं भी बॉलीवुड की ही बात करता हूँ। हम शुरू करेंगे स्टार किड्स को लेके। तो सबसे पहली बात मैं बोल दूं कि जो भी स्टार किड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और जो लोग टैलेंटेड नहीं है वो इंडस्ट्री से बाहर है, हमको पता है। दूसरी बात, जो स्टार किड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन स्टार किड्स के माता पिताओं के बारे में हम शायद सोचना भूल गए, क्योंकि जब सालों पहले हमारे माता पिता और हमारे दादा परदादा एक सिक्योर जॉब कर रहे थे, एक सिक्योरिटी वाली लाइफ जी रहे थे, तब ये स्टार किड्स के माता पिता एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से निकल कर अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई में आए थे, और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ करके उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, और अब इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बेटों को, उनके बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह जैसे अंबानी इसको मिला, मेरे फ्रेंड के बॉस ने उसके बेटे को बिठा दिया, उसी तरह इनको भी मिलेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बात करते हैं हम करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज और अब सलमान खान प्रोडक्शन को भी हम जोड़ रहे हैं, तीन लोगों के पीछे हम लोग पड़ गए हैं कि इनको बैन करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लोग स्टार किड्स को लेकर ही फिल्में बनाते हैं, तो लोग बनाते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग देखने जाते हैं, हम लोग देखने जाते हैं, इसीलिए लोग पैसा बनाते हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं, उसमें हमको क्या प्रॉब्लम है और क्यों होनी चाहिए।
आप लोग चैरिटी करते हो क्या? भाई मैं तो नहीं करता, मैं तो काम करता हूँ पैसा कमाने के लिए। और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई इंसान सेवा करने के लिए काम करता हो, हर इंसान पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। वो भी कर रहे हैं, और वो ही तीन को क्यों पकड़ कर हम बैठ गए हैं? दूसरे हजारों प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो फ्रेशर्स को चांस देते हैं। लड़का हो या लड़की हो, टैलेंटेड होना चाहिए, सबको काम मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपोटिज्म मत जोड़ो, हमारा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। भाई उन्होंने शुरू किया था टेलीविजन से, वहां पर सक्सेसफुल होने के बाद उसने सोचा कि भाई मुझे बॉलीवुड में आना है, अपने एक्टिंग पे अपने क्राफ्ट पे काम किया तो उनको चांस मिल गया काईपो 6 में। उसके बाद धोनी के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई क्या है वो, कितना टैलेंटेड इंसान है वो। अब उसकी लास्ट दो फिल्में सुपर डुपर हिट है, केदारनाथ और छिछोरे, तो इसमें नेपोटिज्म कहाँ से आया? अरे थोड़ा तो अपना दिमाग चलाओ। कंगना जी की बात करें तो भाई अगर नेपोटिज्म होता तो वो यहाँ तक पहुँचती? वो यहाँ तक कैसे पहुँची? क्योंकि वो टैलेंटेड है, सिंपल बात है। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, स्टार किड्स तो सिर्फ गिने चुने हैं। बॉलीवुड में हीरो हीरोइंस का बहुत, हजारों में मैं नाम मैं शुरू करूंगा। दिलीप कुमार सर, दिलीप कुमार से जिनको यूनिवर्सिटी कहा जाता है एक्टिंग का, अपने टैलेंट पे नाम कमाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, और अभी की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, फिर कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये सब कौन है? अपने टैलेंट टैलेंट पर आए हैं। अगर वो लोग भी सोच कर बैठ जाते तो भाई वहीं बैठे रहते, आज पहुंच ही नहीं पाते यहाँ तक। हमको डिसाइड करना है, हमको भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमारा दिमाग चलाना है। अभी हमको एक्चुअली क्या है, भेड़ चाल चलने की आदत पड़ गई है। कुछ दिनों पहले एक महाशय ने एक गालियाँ दे दे के एक वीडियो बनाया कि भाई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और हम लोग लग पड़े, ये बुरा ये खराब ये अच्छा, इसको बैन करो इसको बैन करो। रे अपने नेगेटिव विचारों को क्यों बैन नहीं करते हो, उनको बैन करो। अभी कंगना जी ने वीडियो बनाया तो हम भेड़ चाल उसके पीछे चलने लगे कि भाई इंडस्ट्री में ये खराब, यहाँ से ये खराब, यहाँ पर वो हटाओ, यहाँ से ये बुरा है, इसको बैन करो, इसको बॉयकॉट करो। अरे अपने नेगेटिव थॉट्स को बॉयकॉट करो, बैन करो, खुद के अंदर तो झांको। दृष्टि नहीं बदलनी है, सृष्टि बदलेंगे हम। दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं, खुद को देखो, खुद पे काम करो, तभी कुछ होगा। वरना लोग तो नाम कमा रहे हैं, कोई गालियां दे के भी फेमस बन रहा है, कोई कुछ करके फेमस बन रहा है, और हम लोग, हमारे पास कहाँ कुछ काम है। हम तो सिर्फ मोबाइल, हमारा मोबाइल भला या लैपटॉप भला या इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, हर इंसान साला फिलोसोफर बन के घूम रहा है। पूरी दुनिया झांकेगा, खुद को नहीं देखना है, खुद के बारे में नेगेटिव थिंग्स नहीं उसको ढूंढनी है, उस पर काम नहीं करना है, दुनिया बदल देनी है। अजीब है यार। धन्यवाद।